अगर भाई किसी ने सुबह वाला स्मार्टफोन का रिव्यू नहीं देखा है ना तो भाई उसको देख लेना। हाँ उसमें फोटो थोड़ी कम है लेकिन भाई मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया पूरा स्मार्टफोन को, तो नहीं देखा तो देख लेना। एक जैसे इस वीडियो में बात करने वाले रोमन के नेक्स्ट अपोनेंट्स के बारे में, और यहाँ पे हम एक अपोनेंट के बारे में बात नहीं करने वाले, यहाँ पे बात करने वाले तीन अपोनेंट के बारे में जो कि फेस करने वाले आने वाले तीन मेजर पेपर व्यूज में। तो भाई कौन है वो अपोनेंट्स वो मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ बात करने वाले भाई सासा बैंक और नियोमी के बारे में, क्योंकि इनको जो सस्पेंड कर दिया गया WWE से इनडेफिनेट टाइम के लिए, और भी जो है ना अपडेट्स आई इनको रिलेटेड तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और यहाँ बात करने वाले भाई ऑस्टिन थोई और जॉन सीना के मैच के बारे में, क्योंकि ऑस्टिन थोई ने ये मैच जो है लगभग कंफर्म ही कर दिया है। और भी अपडेट्स है सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक देख लो बिना स्किप किए, अगर आपने स्किप किया तो बहुत कुछ मिस कर जाओगे। अगर मैं चैनल पर नया आया चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देता हूँ, शेयर कर देना, क्योंकि चैनल पर आपको WWE की न्यूज अपडेट देखने को मिलती रहती है। चले आज के वहाँ को स्टार्ट करते हैं। कैसे बातों को शुरू कर लेंगे भाई सासा बैंक और नियोमी के साथ। तो आज के स्मैकडाउन के शो में जो है ना यहाँ पे माइकल कोल ने अनाउंस कर दिया है, माइकल कोल बैटमैन को भी दोनों ने अनाउंस कर दिया है कि सासा बैंक जो और नियोमी उन्होंने वर्कआउट किया है, तो उस वजह से ये अनप्रोफेशनल एक्ट है। तो यहाँ पे जो इन दोनों को जो सस्पेंड कर दिया गया है इनडेफिनेट टाइम के लिए, ना सिर्फ सस्पेंड ही हुई है यहाँ पे रिलीज नहीं हुई, तो एक ना एक दिन जो ये वापस आएगी। अब कब आएगी भाई ये देखने लायक होगा। और यहाँ पे जो वुमेंस टैग टीम टाइटल डिवीजन जो है ना उसका यहाँ पे एक टूर्नामेंट होगा, जो जीतेगा उसको जो है वो टैग टीम टाइटल्स मिल जाएगी। अब मुझे समझ में आया टूर्नामेंट होगा कैसे, क्योंकि गिनती के चार पास तो इनके पास टीम है। बात करें तो नेक्स्ट अपडेट के बारे में, और ये भी जो सासा बैंक और नियोमी से जुड़ी हुई है, तो इन दोनों का जो कॉन्ट्रैक्ट है ना वो काफी जल्दी एक्सपायर होने वाला है, क्योंकि इन दोनों ने जो 3 साल पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे 3-3 साल के, तो वो जब एक्सपायर होने वाले, तो अगर एक्सपायर होगा ना तो फिर यहाँ पे बहुत ही कम चांस बनता है कि वो दोनों आपको वापस कंपनी में दिखाई देगी, क्योंकि WWE सामने से ऑफर करेगी नहीं। अगर उनको कंपनी में रहना है तो उसको आकर रिसाइन करना पड़ेगा, पर इन दोनों का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो काफी जल्दी जो एक्सपायर होने वाले, और इनके कॉन्ट्रैक्ट तो एक्सपायर होने वाले वो बात तो कन्फर्म ही है। और सासा बैंक और नियोमी इन दोनों के जो मर्चेंडाइज है ना वो भी बेचना बंद किया WWE ने। WWE जो shop.com जो वेबसाइट होते हैं जैसे लोग मर्चेंडाइज खरीदते हैं, उस वेबसाइट से भाई इन दोनों की जितनी भी मर्चेंडाइज थी ना वो सारी निकाल ली गई है। अब आप वहाँ पे शॉपिंग करने जाओगे तो वहाँ पे आएगा 0 अनअवेलेबल, तो यहाँ पे जो मर्चेंडाइज बेचना है वो बंद कर दिया WWE ने। तो भाई WWE जो काफी स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जा रही है, देखते आगे क्या होता है। 2-3 दिन पहले मैंने आपको वीडियो में बताया था कि WWE ने जो एक न्यू ट्रेडमार्क फाइल किया है जो कि ब्लडी ब्रूट्स, और ये होने वाले भाई सेमस की टैग टीम के लिए। आज के समय में सोच रहे टीम का नाम ऑफिशियल भी कर दिया गया, लेकिन ये ब्लडी ब्रूट्स नहीं था, ये था ब्रॉलिंग ब्रूट्स। तो यहाँ पे WWE ने भाई थोड़ा सा नाम में जो फेरबदल कर दिया है, अब देखते भाई आगे क्या होता है इनकी टीम के साथ। आज के स्मैकडाउन में शो में आपने देखा कि जो माय उसोस है वो बन चुके हैं अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियंस। तो यहाँ पे जो इस चीज पे जो रोमन्स का रिएक्शन आ चुका है, रोमन्स ट्वीट करते हैं अनस्टॉपेबल अनडिस्प्यूटेड फ्रॉम डे वन एक्नॉलेज। रोमन कहना चाहते हैं कि भाई अब जो है हम अनस्टॉपेबल बन चुके हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता है, हम बिल्कुल टॉप पे पहुंच चुके हैं। तो अब जो है पहले दिन से हम लोगों को जो एक्नॉलेज करना चालू कर दो, पहले तुमसे मुझे एक्नॉलेज करते थे, हमें भाइयों को भी करो, पूरी ब्लड लाइन को एक्नॉलेज करो। ऐसे बात कर लेंगे भाई आर के ब्रो के बारे में, तो आर के ब्रो को हो चुकी इंजरी, यहाँ पे WWE की तरफ से अपडेट आई है। अपडेट का कहना है कि यहाँ पे जो ब्लड लाइन ने अटैक किया स्मैकडाउन टाइटल यूनिफिकेशन के मैच में, और उस वजह से जो यहाँ पे रिडल और रैंडी ऑर्टन दोनों को भाई इंजरी हो गई है, और इन दोनों को जो मेडिकल इवोल्यूशन के लिए जो ले जाया जा रहा है, और बाकी क्या रिपोर्ट आती है वो तो आगे वाले आने टाइम में पता चलेगा, पर फिलहाल के लिए इन दोनों को इंजरी हो चुकी है। बात करें तो भाई ऑस्टिन थ्योरी और जॉन सीना के मैच के बारे में जो कि होने वाले भाई समर स्लैम 2022 में, और ये बात जो ऑस्टिन थ्योरी ने लगभग कंफर्म ही कर दी है। थ्योरी कहते हैं भाई मेरा जो अल्टीमेट गोल यही है कि मुझे जो यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप डिफेंड करनी है जॉन सीना के अगेंस्ट, और मुझे भाई पता नहीं है ये कहाँ होगा, ये मैच का कौन सा होने वाला है इसका वेन्यू, पर मुझे लगता है समर स्लैम जो काफी कूल जगह होने वाली इस मैच के लिए, तो भाई मैं तैयार हूँ जॉन सीना को समर स्लैम करने के लिए। ज्यादा भाई यहाँ पे कुछ बताने की जरूरत है नहीं, ये मैच जो भाई लगभग कंफर्म ही है, लगभग कि आप तो 100% मान लो, क्योंकि यहाँ पे कोई कभी जॉन सीना टीज करे तो कभी ऑस्टिन थ्योरी टीज करे, कभी WWE खुद टीज कर दिए। तो भाई मैं तो देखना चाहता हूँ इस मैच को, और मुझे लगता है भाई समर स्लैम में ये मैच हो भी जाएगा इसी साल। तो कैसे आपके थॉट्स आप बता सकते हो। ऐसा बात कर लेंगे भाई एजीकेल के बारे में, तो आपने ये तो देख लिया कोडी उसका जो काउंटडाउन लगाया जाता है, क्यों, क्योंकि रेटिंग बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ पे इजिकल भी जो रेटिंग बढ़ा जाती है। इजिकल का जो मैच हुआ था तब भी यहाँ पे जो रेटिंग है ना काफी ज्यादा ऊंचाई पे गई थी, मतलब जितनी कोडी जोश के टाइम पे गई थी ना उतनी की उतनी जो है यहाँ पे इजिकल के टाइम पे भी गई थी। तो इजिकल भी जो है ना काफी जल्दी जो है ना व्यूअर्स भी ला रहे, पता नहीं कैसे ला रहे। ऐसे बात करेंगे भाई नेक्स्ट हमारे अपडेट के बारे में, जो कि हमारे ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल करंट अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन एक्नॉलेज मी रोमन रेंस है। तो भाई रोमन रेंस के नेक्स्ट थ्री अपोनेंट बताने वाला हूँ जो कि उनको फेस करने वाले भाई समर स्लैम में, MITV में, क्लैश एट द कैसल में। और ये तीन अपोनेंट भाई आप सबको पता चली गया होगा अब तक तो इस मैडम के एपिसोड के बाद, पर फिर मैं कंफर्म कर देता हूँ भाई। रिपोर्ट आई है भाई डेव मेल्जर की तरफ से, तो स्पेशली थैंक्स टू डैम। और मेल्जर यहाँ पे कहते हैं कि MITV में फेस करने वाले भाई रिडल रोमन रेंस को, समर स्लैम में फेस करने वाले रैंडी ऑर्टन, और क्लैश एट द कैसल में फेस करने वाले ड्रू मैकइंटायर। तो भाई ये तीन अपोनेंट होने वाले तीन बड़े पेपर व्यूज के लिए। भाई देखो रैंडी ऑर्टन और ड्रू मैकइंटायर वाली चीज तो मुझे सही लगती है, लेकिन MITV में रिडल वो मुझे थोड़ा डाउट लगा। रिडल पूरा अरीना स्टेडियम है, तो पूरा स्टेडियम सोल्ड आउट कर पाएंगे नहीं वो थोड़ा डाउटफुल है। अब देखते भाई आगे क्या स्टोरी होती है, पर फिलहाल के हिसाब से तो यही जो तीन अपोनेंट है फाइनल। भाई आप एक्साइटेड हो यानी तीनों मैच के लिए, मैं दो के लिए एक्साइटेड हूँ। मैचेस तो ये तीनों ही होने वाले हैं, आप मान लो 100% कंफर्म है। तो भाई देखते ये तीनों जो पेपर व्यू या फिर कैसे तो प्रीमियम लाइव इवेंट है कैसे जाते हैं, सक्सेसफुल या फिर अनसक्सेसफुल, ये देखने लायक होगा। भाई वीडियो को इन्फॉर्मेशन थी, मैं मिलता हूँ सिनेमा के साथ।